तो है, लेकिन कर नहीं पा रहे थे सामान, और विंटर का कुछ ना कुछ स्टफ होता है, बच्चों का बाइक, गेयर्स, स्पोर्ट्स आइटम, तो उसके कारण प्लान नहीं कर पा रहे थे। फाइनली 3-4 दिन से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, एक दिन पूरा एम्प्टी करने में, दूसरा दिन वॉश करने में, तीसरा दिन इपॉक्सी, जो छोटा सा ब्लॉक छोटा सा किया था कल, और उसके बाद ये ऊपर से क्लियर कोट लगा रहे हैं। छोटे छोटे काम हो या बड़े काम हो, हाँ, इन लोग के पास भी टाइम नहीं होता है जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, और रिलायबल भी रहना चाहिए, जो काम छोड़ के आपका नहीं जाए, सारा काम आपका फिनिश करे, तो उन लोगों को हम लोग हैंडओवर कर देते हैं, लेकिन हाँ साथ में लगना पड़ता है, क्योंकि इनका टाइमिंग अलग होता है आने जाने का, तो कर रहे हैं ये अपना अपना काम बखूबी। अभी 2 दिन तक गैराज यूज नहीं कर सकते हैं, विंटर में कार पार्किंग के लिए, और कार पार्क करके उससे ग्रॉसरी वगैरह, ये डोर दिख रहा है ना, ये घर के अंदर से एंट्री होता है, और आउटसाइड गार्डन वगैरह करने के लिए भी एक होता है डोर। हाँ, ये हो जाने के बाद जब तक ड्राई नहीं हो 1-2 दिन में, तब तक हम यूज नहीं कर सकते, अंदर नहीं जा सकते हैं, नहीं तो पैर के निशान या स्लीपर्स के शूज के निशान आ जाएंगे। तो बहुत ध्यान से टाइम टेक्स टाइम ले करके करना पड़ता है। ये कुछ ही दिन का समर है, इसमें जितना छोटा बड़ा काम जो भी छूटा है वो आप कर सकते हो। हाँ, काफ़ी सारे गार्डन के काम कर रहे हैं लोग, तो आवाज़ आ रही होगी, नॉइज़ सुनाई दे रहा होगा। अभी जितना भी मैसअप है वो सब इनके जाने के बाद क्लीन करूँगी। एक प्रोजेक्ट करने के पीछे कितना सारा तामझाम होता है वो तो ब्लॉग में नहीं दिखता है, लेकिन मैं आपको लाइव में दिखा रही हूँ, एडिट करके डालूँगी तो ये सब दिखेगा नहीं। और ये मेरे पिंक रोज़ हैं, जो कि देखिए डस्ट के कारण ख़राब हो रहे हैं, थोड़े से दिख ही रहा होगा, और इनके ये नेल्स वगैरह दिख रहे होंगे, इनका ट्रक है, सारा टूल्स इन्होंने इधर उधर फैला रखा है। सुबह से आ जाते हैं ये लोग 9:30-10 o'clock, और फिर उसके बाद पूरा ही ये इनका ट्रक है। उनके साथ हेल्पर हैं, जो कि हेल्पिंग हैंड, कुछ ना कुछ काम। If it was not sufficient, what we will do? Nothing. Just roll it all over again to make sure it covers the liquid.